तो गुरुलो कल अपने नए कैप्टन अमेरिका की मूवी यानी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का टीजर आ चुका है, जिसके अंदर हमें नया कैप्टन अमेरिका देखने को मिला है जो कि अपना सैम विल्सन। वो तो हमें फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के अंदर पता ही लग गया था, लेकिन अब इसकी मूवी आ रही है और ये मूवी काफी ज्यादा सीरियस टोन को पकड़ के चलने वाली है, जो कि इसके टीजर को देख के पता लग ही जाता है। बाकी क्या क्या दिखाया गया है इस टीजर के अंदर, आज की इस वीडियो के अंदर आप उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के अंदर तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो इस वीडियो की शुरुआत होगी अपने थंडरबोल्ट रॉस से, जो कि प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो देखो, जैसे कि सबको पता ही है कि ये पूरे एक्टर चेंज कर दिए गए, क्योंकि जो पहले से रोल को प्ले करते थे उनकी डेथ हो चुकी थी, इसलिए दोबारा कास्टिंग की गई थी इस रोल के लिए, क्योंकि यही रोल जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला था एमसीयू के लिए, जो कि हमें इस मूवी के अंदर पता लगेगा। तो देखो, बाकी बात करते हैं कि इस टीजर से हमें क्या क्या देखने को मिला। तो देखो, ये मूवी जो है वो काफी ज्यादा सीरियस टोन पर जाने वाली है, क्योंकि इसके अंदर दो देशों की लड़ाई भी दिखाई जाएगी, जो कि होगी अपने जापान और अपने यूएसए। और वो काय की लड़ाई करेंगे उसकी भी हिंट हमें मिल चुकी है, वो होगा अपना टियामुत, जिसको हमने लास्ट टाइम इटरनल मूवी के अंदर देखा था, जो कि अब अर्थ के अंदर ही जम चुका है और एक पहाड़ जैसा लगता है, और उसी पहाड़ के लिए जापान और यूएसए फाइट करेंगे, क्योंकि टियामुत के अंदर ही हमें मिलेगा अपना एमसीयू का मोस्ट पावरफुल मेटल, जो कि होगा एडमेंटियम, जो कि वुल्वरिन की पूरी बॉडी के अंदर है, और वो अभी तक हमें एमसीयू के अंदर देखने को नहीं मिला था, लेकिन इस मूवी के अंदर हमें वो देखने को मिलेगा। और इसीलिए हो सकता है कि जापान और यूएसए दोनों ही टियामुत के पास जाकर वो एडमेंटियम मेटल लेना चाहते हैं, और इसी चीज को लेकर उन दोनों देशों के बीच में, कंट्रीज के बीच में बैटल हुए, जो कि हमें इसके अंदर देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए हो सकता है कि अपने थंडरबोल्ट रॉस अपने सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका से कुछ ऐसा काम करवाना चाहता हो जिससे उसको काफी ज्यादा फायदा हो, लेकिन अपना सैम विल्सन इस काम के लिए ना माने और इसीलिए वो खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करे और खुद ही रेड हल्क बने और खुद ही वो काम करे, और बाद में सैम विल्सन को यानी कैप्टन अमेरिका को ठिकाने लगाए, और इसी के ऊपर ये पूरी मूवी बेस्ड होने वाली है। बाकी इन सब के बीच में हमने इस मूवी के मेन विलन लीडर को तो छोड़ ही दिया है पीछे, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। देखो, लीडर जो है वो अपने हल्क का काफी तगड़ा विलन होता है, वो जैसे कि हल्क अपनी स्ट्रेंथ से अपनी पावर से सब कुछ खत्म कर देता है, वैसे ही अपना लीडर जो है अपने दिमाग से सब कुछ खत्म कर देता है। और उसकी हमें एक हिंट मिली है या फिर कई इमेज दिखाई गई है इस टीजर के अंदर, लेकिन उसका फेस नहीं दिखाया गया, उसको पीछे से दिखाया गया, और ये वही लीडर होगा जो कि हमने द इनक्रेडिबल हल्क के अंदर देखा था। तो ये पूरा टीजर देखने के बाद तो यही लग रहा है कि ये मूवी काफी ज्यादा सीरियस टोन को पकड़ कर चलने वाली है, जैसे कि अपनी कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर हुई थी। और बाकी सब तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता लगेगा, और अभी मूवी को आने में 8 महीने बाकी है, तो हो सकता है इसके अंदर काफी ज्यादा चेंजेस किए जाए, क्योंकि इसके पहले से काफी ज्यादा रीशूट्स और रीराइट्स हो चुके हैं, तो इसके अंदर और भी चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि मूवी आने में काफी ज्यादा टाइम है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये टीजर कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो मुझे एक कमेंट करके बताना कि कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा। बाकी यही था आज की वीडियो के अंदर, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।